नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ हो रही सभी समस्याओं के समाधान के बारे में, जैसे कि डीबी हो गया है लेकिन पीएचटी और पीजीटी नहीं हुआ है, आप प्रवेश पत्र डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र की जांच कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर आप क्वालिफाई होने के बाद भी आपका यहाँ फिजिकल नहीं हो पाया है। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर समस्याएं हैं जो यहाँ पर बोर्ड ने इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है, तो दोस्तों बने रहिए, आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए इन सभी समस्याओं का समाधान बताने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड ने इसका क्लियर किया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यहाँ पर अपन चलते हैं जहाँ पर यह बोर्ड ने साफ साफ इसके बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, यह जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, यह लखनऊ में प्रकाशित हुआ था, अमर उजाला का न्यूज़पेपर है। यह 15 दिसंबर को यानी कि आज शनिवार के दिन यह प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा 5,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा दौड़ में शामिल होने का मौका, यानी कि जो दोस्तों 62,000 विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे, उनमें से कुछ विद्यार्थी यहाँ पर लगभग 5,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अभी पर फिजिकल नहीं हो पाया, या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं, या फिर डीबी होने के बाद यहाँ पर पीएटी या पीएचटी नहीं हो पाया, तो इन सभी समस्याओं का यहाँ समाधान दिया गया है। चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ को डिटेल में अपन यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस बोर्ड ने यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पर भर्ती निकली थी 41,520 पदों पर, दोस्तों इसमें तकनीकी दिक्कत आ जाने के कारण दौड़ को यहाँ पर जो दौड़ चल रही थी उसको रोक दिया है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर 5,000 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं उनको दौड़ नहीं दे पाए हैं। तो दोस्तों, यह जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए यह राहत देने का फैसला है। ठीक है, यानी राहत देने का फैसला किया गया है। इनसे कहा गया है कि दौड़ में शामिल होने का मौका फिर से दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, यदि आपकी दौड़ नहीं हुई है तो आपकी दौड़ दोबारा से करवाई जाएगी। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो भी विद्यार्थी रह गए उन सभी का यहाँ पर दौड़ होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भर्ती बोर्ड ने परीक्षा संचालित कर रही संस्था इसके लिए निर्देश दिए हैं, यानी कि जो कंपनी फिजिकल करवा रही थी, कौन सी कंपनी, यहाँ पर TCS कंपनी थी जो कि यहाँ पर यूपी बोर्ड का फिजिकल करवा रही थी, वह कुछ कारणों से यहाँ पर अभी जो फिजिकल चल रहे थे उसको रोक दिया है। दोस्तों, उसको TCS कंपनी को बोर्ड ने निर्देश दे दिए हैं कि बाकी विद्यार्थियों का भी काम पूरा करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, बोर्ड के अध्यक्ष GP शर्मा ने कहा है कि दौड़ की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, यानी कि जो विद्यार्थी रह गए उनकी दौड़ के लिए अलग से तिथि यहाँ पर घोषित की जाएगी जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के जाति व मूल निवास प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों यह दिसंबर नहीं है, यह दिवस हो सकता है कि 15 दिन का और टाइम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 दिसंबर तो आज ही का दिन है, इसलिए दोस्तों 15 दिवस हो सकता है हमारे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके अनुसूचित जाति वाले जनजाति प्रमाण पत्र और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो पाई है, उनके लिए यहाँ पर 15 दिसंबर या 15 दिन तक का यहाँ पर टाइम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इससे हजारों अभ्यर्थियों का डाटा जो है वह अपलोडिंग नहीं हो पाया था, यानी कि जो अभ्यर्थी थे उनके डाटा अपलोड नहीं हो पाए थे वेबसाइट पर, तो इसकी वजह से दौड़ दौड़ से चूक गए हैं। ठीक है, यानी कि जो 5,000 विद्यार्थी यहाँ पर बचे हुई हैं दौड़ के लिए उनका डाटा अपलोड नहीं हो पाया था, ये दोस्तों बोर्ड की जो भी फॉल्ट होगा उसकी वजह से यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से यह दौड़ में चूक गए हैं, इसलिए इनका दौड़ फिर से कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दस्तावेजों की जाँच व शारीरिक मानक परीक्षण से लेकर प्रमाण पत्र जमा करने में अभ्यर्थियों को तकनीकी खामियों की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, यानी कि यह बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी यहाँ पर कार्य चल रहा था वह सभी यहाँ पर तकनीकी खराब की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जो कि यहाँ देरी हुई है, यानी कि जो रिजल्ट भी आ रहा है वह इसी के कारण यहाँ पर रिजल्ट में भी डे बाय डे बढ़ता जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में लॉगिन करने के बाद भी एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पाए, यानी कि दोस्तों जो निर्धारित समय में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय दिया गया था वो भी आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है,
उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर अपलोड भी नहीं हो पाया था दोस्तों, डाउनलोड कहाँ से होंगे फिर। यदि आपके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाते हैं तो वह डाउनलोड भी हो सकते हैं, लेकिन यदि अपलोड ही नहीं होंगे तो वह डाउनलोड कैसे होंगे। तो दोस्तों इसकी वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यह भी बोर्ड ने मान लिया है कि जो लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किए गए हैं उसकी वजह से ही स्टूडेंटों को यहाँ परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसकी वजह से दोस्तों जो भी यहाँ पर है उनको रह गए हैं उनके लिए सभी के लिए यहाँ पर क्या राहत दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ इन लोगों ने लिख दिया है कि तकनीकी दिक्कत के कारण दौड़ से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को राहत यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि जो भी कुछ रह गया है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर आपकी दौड़ रुक गई है, या फिर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं, या फिर आपका क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल भी नहीं हुई है, इन सभी समस्याओं का समाधान यूपी बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और कुछ लिखा है, देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर कि कई स्थानों पर खामियां होने की शिकायत, जो यहाँ पर दोस्तों समस्याएं आ रही हैं लगभग सभी राज्य में आ रही हैं, एक राज्य की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि कई सेंटरों पर दस्तावेजों की जाँच व शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान डेटा अपलोडिंग का काम समय पर नहीं हो पाया है। ठीक है, नहीं हो पाया था तो वह सूचना भी नहीं मिली है, यदि अपलोड हो जाता तो वह सूचना भी जल्दी मिल जाती। इस वजह से कई अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होने से चूक गए थे, बोर्ड ने उन्हें दौड़ में शामिल होने का मौका देने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में दौरान कई जिलों में विभिन्न समस्याओं का शिकायत बोर्ड तक की थी। दोस्तों यह जो सब हुआ है यह इसलिए हो पाया है क्योंकि आप सभी लोगों ने बिल्कुल बोर्ड को यह लिख लिख के यहाँ पर दिया था कि जो भी यहाँ पर शिकायत है वह जल्दी से जल्दी इसको की जाए। यानी कि जो भी शिकायत थी आप यदि लिखित रूप से बोर्ड को देते हैं या बोर्ड के चेयरमैन को देते हैं तो वह कंप्लीट कराने की या फिर उसका सॉल्यूशन जरूर जरूर करती है। बस बात यह रहती है कि आपको लिखित में देना पड़ता है, वो भी डायरेक्ट बोर्ड को। दोस्तों यदि आप यह सभी है कि यदि आप करना चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह सभी आप लोगों की ही मेहनत का फल है जो कि यहाँ पर दोबारा यह 5,000 अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल करने का मौका दिया जा रहा है। यह केवल और केवल आप लोगों का ही मेहनत का फल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहता था या फिर यही अपडेट आप तक पहुंचाना चाहता था। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह हमारा अपडेट सही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा तो उसको आप तक आसानी से हम पहुँचा सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।